हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेन अज आपां डिस्कस करना जणिआं दा क्वेश्चन हैगा सी कि एक लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तुसीं ब्रीफली कवर कर दो, तो वह आपां अज कवर करनी आ। तो ऑलसो अनदर टॉपिक, ऑर्गनाइज किस तरह करना वा डॉक्यूमेंट्स नूं सारे जदों तुसीं अंदर लैके जा रहे हो। तो अपने कोल हैगा जी बंदा एक कवर करन लई लिस्ट। चलो जी, मेन वन बाय वन आइटम्स कवर करते हैं आपां। करंट पासपोर्ट। अच्छा जी, तुहाडा करंट पासपोर्ट जिहड़ा काफ़ी इंपोर्टेंट आ, ओरिजिनल जो भी इंडियन पासपोर्ट तुहाडा होगा तो उहदी कॉपी नाल लै जिओ, तो वह भी मेक श्योर करो कि तुहाडे कोल होवे। नैक्सट, फोटोग्राफ्स। हुण तक फैमिलियर हो गए होगे, जिहड़ी फोटोग्राफ की डायमेंशन चाहीदी आ 2x2, 2 इंच by 2 इंच वाली, ये हैगी आ डायमेंशन जिहड़ी एक्सेप्टेबल हैगी आ अमेरिकन एम्बेसी च। नैक्सट जी, DS-260 कन्फर्मेशन पेज। अच्छा जी, DS-260 जे तुहानू अजे पता नहीं हैगा, बेसिकली ये कन्फर्मेशन पेज आ जदों तुहाडे पटीशनर ने इमीग्रेंट वीज़ा फाइल किया होना वा नैशनल वीज़ा सेंटर कोल, ते एक कन्फर्मेशन पेज मिलिया होना वा, ते वो कन्फर्मेशन पेज की तुहानू कॉपी चाहीदी हैगी आ नाल, ते वो क्योंकि आपां जिस तरह डॉक्यूमेंट सुणांगे ते इहदी लोड़ काफ़ी पैनी हैगी। PCC। हाँ जी, PCC ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैगा वा, जिहदे विच बेसिकली तुहाडा मीनस लोकल क्रिमिनल रिकॉर्ड चैक किया जाता हैगा वा, ते तुहाडे ये मोस्टली पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसिस तो मिलना वा, ते इहदी चाहीदी आ कि विदिन 2 ईयर्स वाला चाहीदा हैगा वा, जे 2 ईयर्स तो वध हो गया वा इशू डेट ते फिर तुहानू नवा चाहीदा होना है। नैक्सट, बर्थ सर्टिफिकेट। ये तुहानू ओरिजिनल चाहीदा होना वा, तुहानू पंजाबी च जे मिल रहा वा, तो एक तुहानू ट्रांसलेशन भी इहदी चाहीदी हैगी आ नाल, मे बी नोटराइज सिग्नेचर तुसी लवा लो या ट्रू कॉपी जो भी तुसी कह सकदे हो उहनू, ते ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ते उहदे नाल ट्रांसलेशन जे इंग्लिश च नहीं हैगा। मेडिकल एग्जामिनेशन एक वन ऑफ दी अगेन रिक्वायरमेंट हैगी आ। आपां इह जिन्ने डॉक्यूमेंट्स कवर कर रहे सारियां दी डिटेल वीडियोज़ हैगीआं जी, ते तुसी वेख सकदे हो साडे चैनल ते। तो मैडिकल एग्जामीनेशन दे विच बेसिकली अजकल पहले तो तुहानू एक सील्ड एनवल्प मिलता सी, अजकल ओल नहीं मिलना, मोस्ट प्रॉब्ली रिसिप्ट मिलनी हैगी आ, ते हाँ ऑनलाइन, ते वो अपने कोल रखियो ते जदों भी तुसीं इंटरव्यू लई जा रहे हो। नैक्सट जी, मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि जो तुहाडा स्पाउस वीज़ा वा ओबियसली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैगा वा, मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्योंकि ये एक सिविल डॉक्यूमेंट भी आ, ते इन्हां दे नाल कॉपी रख लियो तुसीं। तो जे बाई चांस तुहाडा मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश नहीं हैगा तो अगेन उहदी ट्रांसलेशन तुहानू करवानी पैनी आ नोटरी दे नाल। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये मतलब काफ़ी ब्रॉड इच कई डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह हुण आपां जे स्पाउस वीजे की गल करिए तुहाडे पिक्चर्स जिहड़े तुहाडे विआह वाले या तुहाडे ईवन आफ्टर विआह वाले पिक्चर्स ट्रिप्स, ते तुहाडी टॉक्स जिहड़ी होईयां हैगियां वा चैट्स वट्सअप हो गई या होर कोई सोशल मीडिया ते चैट होईयां वा, ते तुहाडे कॉल लॉग्स वो भी एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैगा वा। ते असीं ये कवर किया हैगा वा कि किन्ने क अमाउंट्स तुसीं ये चीज़ां लैके जानियां हैगियां वा। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, मेन ये डॉक्यूमेंट तुहानू मोस्ट प्रॉबली ऑलरेडी फाइल्ड हैगा वा ये तुहाडे नैशनल वीज़ा सेंटर दे कोल, क्योंकि तुहाडा जो पटीशनर आ जदों उन्होंने फाइल किया सी ते ये ऑलरेडी फाइल किया सी, ते तुहानू एक इहदी कॉपी चाहीदी होनी आ। पहले तो काइंड ऑफ ओरिजिनल लगता हुंदा सी बड़े टाइम पहले, ते हुण काइंड ऑफ एक कॉपी चाहीदी होनी आ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इहदे नाल मोस्ट रीसेंट टैक्स ट्रांसक्रिप्ट चाहीदी हैगी आ, अपने पटीशनर नूं कहो कि समझ लो जे हुण 2022 तुहाडी आ गई इंटरव्यू, ते 2021 दी टैक्स ट्रांसक्रिप्ट जे ते उन्होंने टैक्स हुण तक मोस्ट प्रॉबली फाइल करता होना वा 2021 दा भी, ते 2021 दी टैक्स ट्रांसक्रिप्ट नॉट टैक्स फॉर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ। फॉर्म्स नहीं चाहिए IRS वाले, टैक्स ट्रांसक्रिप्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं IRS दी वैबसाइट तो, जे अपने तुसी पटीशनर नूं कहोगे, ते वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल तो कवर हो गए सारे। तो आप नैक्सट सैगमेंट के गल करते हैं इन्हों ऑर्गनाइज किस तरह करना वा, सारे पुलिंदे किस तरह ऑर्गनाइज करना, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स तुहानू हुणे दसे हैगे आ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी आ, तो मेनली तुसी यूज़ कर सकते हो आ एक्सपेंडिंग फाइल कि जे जिहड़ी एक्सपांड हो जाती हैगी आ, इहदे विच डिफरेंट मेन सैक्शनस हैगे आ, ते ऑलसो टैब्स तुसी इन्हां दे उत्ते ला सकते हो, ते मोस्ट प्रोबेबली तुसी एहो जे कोई टैब्स यूज़ कर सकते हैगे हो
एक एक टैब जितना लाता कि समझ लो कि तुहाडे पासपोर्ट रिलेटेड कि तुहाडा पासपोर्ट आ उहदी कॉपी नाल ते वधिया चीज़ होनी है कि जे तुसीं एक सैक्शन बनाया PCC दा ते उहदे नाल ही उहदी फोटो कॉपी तुसीं रख लो जां तुहाडे समझ लो तुसीं एक सैक्शन बना रहे हो एफीडेविट ऑफ सपोर्ट दा ते नाल ही उहदी कॉपी भी एक तुसीं रख लो ते उहदे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोई टैक्स ट्रांसक्रिप्ट कि तुहानू याद होवे कि तुहानू कोई कहे कि ठीक है भाई टैक्स ट्रांसक्रिप्ट ठीक है जी आ वाले सैक्शन जा रहे हो तुसीं इत्थों पुल करके अगले देता ठीक है अपनी फाइल बंद कर ली तो मतलब तुहाडा कुछ डिग्गिया भी नहीं तो तुहानू कोई कंसर्न भी नहीं होया एंड वन मोर थिंग कि ऑर्गेनाइज कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स उसी लाइन दे विच ऑर्डर दे विच कि जिस च तुहानू पता कि उन्होंने लेने आ मोस्टली पहला पासपोर्ट रख लो फिर फोटोज रख लो फिर तुहाडा DS-260 फॉर्म चाहिए होंदा फिर PCC चाहिए होंदी आ ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ਤੁਹਾਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਚਿੱਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰੂਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2-3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਤਰਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਫਿਰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇੱਕ ਹੈਸਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਲਬਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਡਿੰਗ ਐਲਬਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਸਫੁਲ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਾਚ ਅਵਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼